पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा और आज के इस लेक्चर में हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन टर्म्स का मीनिंग समझोगे तभी आप पॉलिटिकल थ्योरी को प्रॉपर समझ पाओगे। टर्म्स है जैसे स्टेट है, सोसाइटी, नेशन, नेशनैलिटी, ठीक है, इन सारे टर्म्स में ही पॉलिटिकल साइंस का क्रक्स है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, है ना। जब हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे और इन्हीं आस्पेक्ट का आंसर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। तो सबसे पहले हमें सोसाइटी को समझना होगा, हमें स्टेट को समझना होगा, स्टेट के नेचर को समझना होगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टडी द पॉलिटिकल साइंस इन अ मच इंटरेस्टिंग वे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में और अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे उनको एक्सप्लेन करने की। आज का हमारा फर्स्ट टर्म है द स्टेट। आपने बहुत बार सुना भी होगा स्टेट का मीनिंग, लेकिन होता क्या है? मतलब स्टेट, हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं, स्टेट वर्ड भी सुना है, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या गवर्नमेंट को स्टेट बोलते हैं या सोसाइटी को स्टेट बोलते हैं? स्टेट क्या होता है? तो ये मान के चलिए कि जब इंसान कम्युनिटी में रहता है, ठीक है, जब इंसान एक साथ रहता है, कम्युनिटी वो होती है जिनके साथ वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसका बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कम्युनिटी वो होती है जिसमें जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अपने आसपास का नेबरहुड लेके चलो, आप जहां पे काम करते हो, आप जैसे लोग, वही तो कम्युनिटी बनाते हो। ऑन दी अदर हैंड सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी एक लार्ज आस्पेक्ट है। सोसाइटी में वो लोग भी आते हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते, तो सोसाइटी लूजली कनेक्टेड होती है। सोसाइटी कनेक्टेड होती है वेरियस ट्रेडिशन से, सोसाइटी कनेक्टेड होती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से, एंड रिलीजन इज वन ऑफ दोस बिलीफ सिस्टम विच मेक्स द सोसाइटी लिव टुगेदर। तो जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इनके बीच में हो रहे कंफ्लिक्ट को दूर कर सके, इनके बीच में एक स्मूथ लाइफ को इंश्योर कर सके, इंसानों के बीच में लड़ाई दंगे ना हो, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कंसर्न होता है, और एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ वो जी सके। और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनता है जिसको हम कहते हैं स्टेट। तो स्टेट है क्या? स्टेट सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। स्टेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। वेयर एवर ह्यूमन बींग लिव टूगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, 200 साल, 300 साल, जब भी इंसान एक साथ रहा है, वी फाइंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी फाइंड द अथॉरिटी। आप उठाकर की हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री में भी आपको ये मिलेगा कि चाहे बेशक कोई ट्राइब भी क्यों ना हो, जहां पे हद से हद 50 लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी एक सिस्टम डेवलप है, वहां पर भी अथॉरिटी है, वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन बींग, क्योंकि इंसानों को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जहां पर हमें ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी मिलती है, वेयर वी फाइंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्टेट। स्टेट और क्या है? स्टेट यही तो है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, वहीं से स्टेट की शुरुआत होती है। लेकिन हमारी जो समझ डेवलप हुई, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, सोसाइटी, इन सब के बारे में जानते हैं ग्रीक राइटर से। रीजन में ग्रीक सोसाइटी का अगर मैं थोड़ा सा आपको मतलब मैप सा बताऊं, जस्ट अज्यूम की ही एक सोसाइटी है, ठीक है, ये एक ट्राइब यहां रह रही है, दूसरी ट्राइब यहां रही है, तीसरी यहां रहती है, फोर्थ यहां रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर नेचुरल बाउंड्री थी और उस टाइम पर नेचुरल बाउंड्री को क्रॉस करके जा पाना बहुत मुश्किल था। तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, ये आपस में सबको जानते थे, स्टेट्स में जितने भी लोग थे सब आपस में जानते थे, उनके बीच में कनेक्शन जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। इनको बोलते हैं सिटी स्टेट्स, ओके, दोज स्टेट्स आर कॉल्ड सिटी स्टेट्स। एक सिटी को ही स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, उसके बारे में भी जानते हैं क्यों, और स्टेट को भी एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। लेकिन उम्मीद करती हूँ ग्रीक सिटी स्टेट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो जो ग्रीक राइटर्स है स्टार्टिंग, दे हैव टोल्ड अस टू थिंक
द स्टेट इज बोथ अननेचुरल एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। ग्रीक राइटर्स का ये मानना था कि इंसान अगर एक साथ रहेगा तो स्टेट का होना इतना नेचुरल है, इतना नेचुरल है, जस्ट लाइक आर ओन सर्वाइवल। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर आप इंसान हो आपके लिए स्टेट उतना ही कॉमन है। अगर आप यू आर अ मेंबर ऑफ अ स्टेट, और अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स यू आर अबोव द लॉ, यू आर अबोव द गॉड और यू आर बिलो द गॉड, इधर यू आर अ गॉड और यू आर अ बीस्ट। उनकी तुलना इस प्रकार से कि अगर आप एक स्टेट के मेंबर नहीं हो ना, इसका मतलब या तो आप भगवान बन चुके हो या फिर आप राक्षस हो, बीस्ट हो आप। इसका मतलब कि उनके लिए एक स्टेट का होना इतना ज्यादा जरूरी था। द स्टेट इज नेचुरल इन द सेंस दैट इज हैव अराइजन आउट ऑफ द प्राइमरी इंस्टिंक्ट ऑफ मैन एंड इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ। देखो ये माना जाता है कि स्टेट जो वो नेचुरल है। नेचुरल क्यों? क्योंकि जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है, इंसान की इंस्टिंक्ट क्या होती है? टू सर्वाइव। एंड व्हेन वी वांट टू सर्वाइव हमें उस अपने आप को टेम करना चाहिए। जैसे हम वाइल्ड एनिमल को करते हैं ना, वैसे इंसान को खुद को टेम करना आना चाहिए, दूसरों को नहीं। रस्सियों से बांध के रखना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नो, आपको खुद को कंट्रोल करना, आपको सिविलाइज्ड बनना है। बेटर वर्ड, यू हैव टू बी ए सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड मेंबर, सिविलाइज्ड एनिमल, एंड फॉर दैट यू नीड द स्टेट। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल बीइंग। इंसान जन्म से ही पॉलिटिकल बीइंग है, वो पॉलिटिक्स में रहता है, वो पॉलिटिकल एनिमल है। और वो कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट में रहना और इंसान होना, टू बी ए मैन एंड टू लिव इन अ स्टेट इज सो आइडेंटिकल फॉर whoever was not a member of the state or unfit to be one was either a god or a beast। अगर आप एक इंसान हो तो आप एक स्टेट का मेंबर भी जरूर हो, और अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप भगवान से बहुत ऊपर हो या फिर आप राक्षस हो, भगवान से बहुत ही नीचे हो। He was either above the state or below it। हमें आइडिया होता है कि स्टेट को लेकर के कितनी, मतलब स्टेट की जो थ्योरी है वो किस तरीके से डेवलप होती है। स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश बहुत सारे थिंकर्स करते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस भी आती हैं। अगर हम डेप्थ में समझना चाहें तो शायद स्टेट को इतना, मतलब बहुत एक प्रॉपर टॉपिक लगेगा उसको डेप्थ में समझने के लिए। एंड सिंस वी आर स्टडिंग द पॉलिटिकल साइंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द स्टेट, बट इट इज जस्ट टू क्लैरिफाई कि होता क्या है स्टेट। हॉलैंड कहते हैं स्टेट एज ए न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बींग। इंसान इकट्ठे हुए एक असेंबली है, और एक एक जमीनी टुकड़े के ऊपर वो बैठे हुए हैं, ठीक है। दे आर ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी, और उनमें से जो मेजोरिटी विल है, ठीक है, वो प्रिवेल करती है। जो मेजोरिटी में है उनकी जो भी इच्छा होगी वो प्रिवेल करेगी, वो मानी जाएगी, और उनपे भी लागू होगी जो उस बात को नहीं मानते, जो उस इच्छा के विरोध में थे। अब उनको भी वो बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग किसने बनाया है, वो बात किसने बताई है, मेजोरिटी। सोसाइटी में मेजोरिटी बहुत मैटर करती है। अगर 100 लोग हैं और 51 लोग कोई बात कह रहे हैं, दैट मीन्स वो मेजोरिटी में है, ठीक है। चाहे बाकी 49% उसको अपोज कर रहे हो, नो, बट 51 आर इन मेजोरिटी। तो जो भी अब रूल बनेगा वो सबके लिए होगा, वो 51 के लिए भी होगा और वो 49 के लिए होगा, चाहे वो फिर उसके अगेंस्ट में क्यों ना हो। सो आई होप यू गेट द आइडिया, है ना। क्लियर तो नहीं हो पाएगा मीनिंग, बिकॉज अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक है, बट जस्ट सुनते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें। स्टेट और सोसाइटी। सोसाइटी तो हमने सुना है, जहां हम रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मतलब क्या है सामाजिक प्राणी का? सामाजिक प्राणी का मतलब जब हम अपने जैसों के साथ रहते हैं, है ना, दैट वी कॉल सोसाइटी, व्हेन वी लिव विद अदर ह्यूमन बीइंग। बट स्टेट इज नॉट आइडेंटिकल विद सोसाइटी। व्हाट इज स्टेट इज नॉट सोसाइटी। सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट एंड स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी। ऑल्दो अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं दैट द सोसाइटी एंड द स्टेट हैव द सेम मोरल पर्पस। दोनों का उद्देश्य समान है, सोसाइटी का भी और स्टेट का भी। दे ब्लेंड टूगेदर, सोसाइटी एंड स्टेट, दे ब्लेंड टूगेदर एंड बोरो फ्रॉम वन अनदर।
मतलब आप अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हो, आप नेचर से इन्फ्लुएंस होते हो, आप नेचर से सीखते हो, नेचर भी आपसे इन्फ्लुएंस होती है और आपसे सीखती है। द सेम वे आप एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, जैसी सोसाइटी होगी वैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसी सोसाइटी डेवलप होगी। ठीक है, सो टू द अर्लियर थिंकर, टू द अर्लियर ग्रीक थिंकर्स, द स्टेट वॉज सिमिलर टू दिस सोसाइटी। कैसे? उन्होंने स्टेट को सोसाइटी को एक जैसा माना है। रीजन बिंग, रीजन है उनकी अपनी सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि ग्रीक सिटी स्टेट कैसे होते थे, छोटे होते थे साइज में, दे वर कॉम्पैक्ट इन पॉपुलेशन, और बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं था। रीजन बिंग कि नेचुरल बाउंड्री थी, फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन्स है, उनकी वजह से बाहर के लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनकी अपनी सोसाइटी ग्रो करती है। उसी समाज में पॉलिटिशियंस रहते हैं, उसी समाज में आपके आप अपने मतलब पॉलिटिशियन से आपकी जानकारी है, आप सब लोग इकट्ठे होते हो, इवन यू आर अ पॉलिटिशियन, आप सब इकट्ठे होते हो, सब फैसले लेते हो, अपने लिए फैसले लेते हो। दैट मीन्स व्हाट इज स्टेट टू यू इज सोसाइटी। अगर आप 100 लोग रहते हो समाज में, 100 पीपल हैं, सब इकट्ठे होकर के फैसला लेते हैं, तो मतलब समाज ही राज्य बन गया, समाज ही स्टेट बन गया। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिनोमिना को अगर हम देखें, देन दिस इंटरप्रिटेशन इज समवॉट रॉन्ग। ओके, वी टुडे हैव नो सच जस्टिफिकेशन। अगर हम स्ट्रिक्टली इसको इंटरप्रेट करें, इस पूरी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, देन द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या आपका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इट इज सोसाइटी विच इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सोसाइटी इज बोथ ब्रॉडर एंड नैरोअर देन द स्टेट। ओके, एंड इट मे बी यूज टू डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी ऑफ मैन काइंड जस्ट एज मच एज अ स्मॉल सोशल ग्रुप ऑफ अ विलेज। अगर मैं सोसाइटी के मतलब उसको जो होता है ना कि इसके डायनामिक को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, या इसके स्कोप को, इसके नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देन सोसाइटी इज जस्ट लाइक द स्टेट। सोसाइटी एक जो गांव में या एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें हो सकता है 15, 20, 50 लोग रहते हो, वो भी सोसाइटी है, सोशल ग्रुप है। और एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी, हम बोलते हैं ना इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी। तो जब हम ब्रॉडर सेंस में इसको यूज करते हैं, सोशल वर्ड को हम यूज करते हैं, तब हम इसके रिस्ट्रिक्टेड सेंस को नहीं, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बताऊं या कंफ्यूजन क्लियर करूं, तो देखो, ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव इन कम्युनिटी, और कम्युनिटी से फिर धीरे धीरे बनती है, दैट वी कॉल सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, फॉर द रेगुलेशन वी नीड स्टेट। ठीक है, लेकिन जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही स्टेट का नेचर बनता जाएगा, और जैसा स्टेट का नेचर होगा वैसे ही सोसाइटी बनती जाएगी। हमारे पास सबसे पहला जो वर्क देखने को मिलता है, विच टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज द ग्रीक राइटर्स। ग्रीक राइटर्स हमें बताते हैं कि सोसाइटी और स्टेट दोनों एक ही है, सिमिलर है। रीजन बिंग क्योंकि उनकी अपनी सोसाइटी इस तरीके की थी कि वहां पर जो सोशल पीपल थे, जो सोसाइटी के पार्ट थे, वो पॉलिटिक्स के पार्ट भी थे, वो स्टेट के पार्ट भी थे। ठीक है, ऑल्दो वी आर द पार्ट ऑफ स्टेट, बट वो खुद के लिए कानून बनाते थे, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खुद के लिए कानून बना रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं स्टेट पॉलिसीज के अंदर। एंड एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग। हम वोट डालते हैं, हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज बनाते हैं, बट एज सच हम जाकर के पॉलिसीज नहीं बनाते। तो यही मेजर फर्क है सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच में। वापिस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे।
स्टेट क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज हमने बात की। सोसाइटी को हम ब्रॉडर और नैरोअर सेंस दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम इसको नैरोअर सेंस में यूज करते हैं, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, विलेज असेंबली, एक ट्राइबल ग्रुप भी सोसाइटी कहलाता है, ट्राइबल सोसाइटी कहलाता है। और ब्रॉडर सेंस में हम बोलते हैं ना कि सोसाइटी, दैट मीन्स वो नेशनल बाउंड्री से भी अलग है। नेशनल बाउंड्री, जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी, तो हो सकता है उसके लिए कोई दायरा थोड़ी ना है। रीजन भी, जैसे हम बोल दिए कि हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी तो अलग भी हो सकती है। ऑब्वियसली दोज पीपल हु आर नॉट लिविंग इन इंडिया, रिजाइडिंग आउटसाइड, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। एनी रिलीजियस कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बुद्धिस्ट सोसाइटी, दैट मीन्स दोज हु फॉलो द बुद्धिज्म, है ना, तो वो क्या है, बुद्धिस्ट सोसाइटी है। तो अस द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक हिस्सा है स्टेट, फॉर्म ऑफ सोसाइटी नहीं है। स्टेट इटसेल्फ इज नॉट अ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है, पीपल आर लूजली कनेक्टेड इंडिविजुअल्स, दे आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे लिव टुगेदर। देन व्हाट इज स्टेट? द स्टेट इज अ नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइज्ड अंडर एंड थ्रू सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ द स्टेट अर्थ सरफेस। धरती के एक टुकड़े पे रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया है कि हाँ इसी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। इंडिया एज ए नेशन स्टेट, इंडिया तो एक ही जगह है ना, ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। इंडिया तो एक जगह है, इंडियंस अलग अलग जगह हो सकते हैं। इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट है, जो लोग हैं इंडिया के वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, एसोसिएटेड हैं इलेक्शन सिस्टम के थ्रू। देन ये बनाता है स्टेट। स्टेट के एलिमेंट्स भी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेट, ठीक है जी। सोसाइटी और स्टेट में आपको कुछ हद तक फर्क पता चला, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सोसाइटी एक्सरसाइज अथॉरिटी लार्जली थ्रू कस्टम्स। आपने देखा होगा अपने आसपास सोसाइटी आपसे बात कैसे मनवाती है, कस्टम्स के थ्रू भी। हमारे तो रीति रिवाज हैं, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। अगर कोई बात नहीं मानता तो समाज से बाहर कर दिया जाता है, बट उसको इम्प्रिजन नहीं कर सकते। सोसाइटी डू नॉट हैव द पॉलिटिकल अथॉरिटी, बट द स्टेट एक्सरसाइज अथॉरिटी थ्रू लॉज इनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। स्टेट क्या करेगा, जो गवर्नमेंट कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है, उनको लागू करने के लिए लीगल उसके पास अथॉरिटी है। देन स्टेट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन लेजिटिमेटली यूज द फोर्स। ये याद रखिएगा, स्टेट इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लीगली लेजिटिमेट वे में फोर्स का यूज कर सकता है। बट सोसाइटी ऑन द अदर हैंड कैन यूज ओनली मॉरल परसुएशन और इन्फ्लुएंस। मॉरली कि तुम्हें ये करना है, हम सोशल एक बिहेवियर, एक कंडक्ट लेके चलते हैं कि यू नीड टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट, दिस इज नॉट गुड, दिस इज राइट, एथिकल बिहेवियर, सोशल एथिक्स, द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, दीज ऑल आर द थिंग्स डिजाइंड और डेवलप्ड बाई द सोसाइटी सो दैट वी कैन लिव टूगेदर। हमारे बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। डायरेक्टली हम कितने लोगों से बात करते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 से कर ली, बट इंडियन सोसाइटी में अज्यूम करो तो 130 करोड़ प्लस पीपल हैं, एंड स्टिल वी आर लिविंग इन अ कंट्री। हाउ? स्टेट हमें साथ में रख रहा है। स्टेट है ना, जो सोसाइटी है वो लकड़ी की तरह है, वुडन प्लैंक की तरह है, और स्टेट वो आयरन बैंड है जो उन सारे प्लैंक को इकट्ठा रख रहा है इन अ प्रॉपर प्लेस। हम एक साथ क्यों रहते हैं, ह्यूमन एक साथ क्यों रहते हैं? रीजन बिंग, वी शेयर सम वैल्यूज, हमारे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ रहते हैं, है ना। और एक बात बताइए कि जहां जिस इंसान को आप जानते नहीं, आपको क्या पता कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या वो आपके लिए काम करेगा, क्या वो आपके बेनिफिट के लिए सोचेगा या नहीं सोचेगा? व्हाई शुड यू लिव विद दोज पर्सन? तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना जो आपको एक साथ रहने के लिए मजबूर करता है, वो होता है आपका स्टेट।
आपकी नेशनैलिटी, आपकी सोसाइटी, ठीक है। तो ई बार्कर, एर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय द स्टेट। भी हम इंडिया की एक एग्जांपल है, तो 130+ करोड़ इतने इंडियंस हैं, एंड वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर लिविंग अंडर द सेम गवर्नमेंट। रीजन बीइंग, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारे लिए अगर हमें साथ रहना है, अगर हमें सर्वाइव करना है, वी नीड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जो रेगुलेट करेगी हमें। और अगर सोसाइटी को एक साथ नहीं रख पाए, इट कुड नॉट एग्जिस्ट। अगर सोसाइटी साथ नहीं है, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सोसाइटी मे बी कंपेयर्ड टू द मैनी प्लैंक्स विच कंप्राइज अ वुडन बैरल, एंड द स्टेट टू द आयरन बैंड विच गोज अराउंड देम, होल्डिंग देम टुगेदर इन देयर प्रॉपर प्लेस। आपने वुडन बैरल देखा है कभी? आई एम श्योर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा वुडन बैरल के बारे में, है ना। वुडन बैरल इज काइंड ऑफ लाइक तरीके का एक बैरल होता है ना, बहुत सारे लकड़ी के प्लैंक से बना होता है। इन सारे लकड़ी के प्लैंक के बाहर एक आयरन का इस तरीके का बैंड होता है, जो इसको एक साथ रखते हैं। अगर इसको वो आयरन बैंड नहीं होगा, तो ये प्लैंक्स क्या होंगे, धीरे धीरे टूटना शुरू कर देंगे। ऐसा ही समाज में होता है। अगर आप एक साथ नहीं रह पाओगे, उसके लिए फिर आपको स्टेट का होना जरूरी है, अगर आप एक साथ रहना चाहते हो तो। ठीक है, तो हमने सोसाइटी और स्टेट के बारे में जाना। अ टर्म विच इज बिकमिंग इवन मोर कॉमन एंड पॉपुलर दैट सोसाइटी देन सोसाइटी, इज कम्युनिटी। कम्युनिटी में वो लोग आते हैं जो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एंड दे इवन डाई फॉर वन अनदर व्हेन नेसेसिटीज अराइज। जब जरूरत महसूस होती है, दे हेल्प ईच अदर एंड दे कैन डाई फॉर वन अनदर। ऐसा कम्युनिटी के मतलब लेमेन सी लैंग्वेज में डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए जी, अब बात करेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट की। स्टेट ही गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ही स्टेट है, दोनों अलग अलग हैं या दोनों सिमिलर हैं? ये मानिए कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट सी फॉर्म है। इंडियन स्टेट, इंडिया एक स्टेट है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, बस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सी फॉर्म है। लेकिन स्टेट की जो विल है, जो इच्छाएं हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको रियलिटी में लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड गवर्नमेंट इज दैट इंस्ट्रूमेंट। तो आई कैन डिफाइन इट दैट गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। और अगर मैं रूसो के वर्ड्स में कहूं, देन गवर्नमेंट इज अ लिविंग टूल। जीता जागता हथियार है, लिविंग टूल है गवर्नमेंट। इसकी सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही है। इट इज द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज्ड। जो स्टेट की इच्छाएं हैं, ठीक है, वो पॉलिसीज की फॉर्म में सामने आती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको रियलाइज किया जाता है। सो इट इज द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। एंड जो पर्पज है स्टेट के, वो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो स्टेट आई कैन डिफाइन इट इज लार्जली एन एब्स्ट्रेक्शन, लाइक इट इज समथिंग विच इज एब्स्ट्रेक्ट, इट्स अ नोशन, बट गवर्नमेंट इज कंक्रीट। गवर्नमेंट को आप देख सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट में चेंज होना, इट डज नॉट मीन कि वहां कि स्टेट में चेंज हुआ है, नो। रिसेंटली आपने देखा होगा म्यांमार के अंदर, पहले डेमोक्रेटिक रूल था मान लीजिए, अब मिलिट्री रूल आया वहां पे। आई कैन से कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुई है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या स्टेट का नोशन भी चेंज हुआ है? नहीं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बदलती है, इट डज नॉट मीन कि स्टेट की कॉन्टिन्यूटी में चेंज आया है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट मीन द चेंजेस इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टेट। The authority of the government is not original, it is derived from the state. जो state की authority होती है ना,
जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट डिराइव दैट अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट। अब जैसे जैसे आप इन चीजों को क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे स्टेट का जो आइडिया है माइंड में क्लियर होता जाएगा, है ना, और उतना ही बेहतर हम पॉलिटिकल साइंस को समझ पाएंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, द स्टेट, नेशन एंड नेशनैलिटी। ये तीन चीजें क्या है? हम बोलते हैं ना नेशन स्टेट, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट क्या है? हम कई बार इनको ना पर्यायवाची की तरह यूज करते हैं और कई पॉलिटिकल थिंकर्स इनमें डिफरेंस भी नहीं मानते। इन जनरल दे डू नॉट मेक अ केयरफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। यस देर इज अ डिफरेंस। एक और टर्म होते हैं इनकी, मतलब जुड़ी हुई इन्हीं से, दैट इज नेशनलिज्म। और प्रिवेलेंट कंडीशंस को देखो ना, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हो, देन दिस वर्ड इज इन न्यूज फॉर वेरियस रीजन, नेशनलिज्म। ठीक है, सो नेशन, नेशनैलिटी, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ इन दो या तीन टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे नेशन के बारे में बताना है, व्हाट इज नेशन? नेशन इज स्टेट प्लस नेशनैलिटी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, व्हाट इज नेशन? स्टेट प्लस नेशनैलिटी इज इक्वल टू नेशन। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट मे और मे नॉट बी को एग्जिस्टेंट विद द नेशनैलिटी। जब स्टेट में एक नेशन के बारे में जिक्र होता है, जैसे इंडिया इज ए नेशन, हमारे यहाँ एक नेशनैलिटी है, वी गेट ए नेशन स्टेट। और जब एक स्टेट के अंडर बहुत सारे नेशनल बहुत सारे नेशन आते हैं, देन द स्टेट एंड नेशन डू नॉट कोइंसाइड। छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ब्रिटिश स्टेट ड्यूरिंग 1900, उस टाइम पर ब्रिटेन को नेशन स्टेट बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एम्पायर था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब एक स्टेट एक ही नेशनैलिटी से बना हुआ है, वी गेट ए नेशन स्टेट। बट वेयर वी हैव अ स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नेशनैलिटी, जहां पर एक से ज्यादा नेशनैलिटी के लोग रहते हैं ना, ठीक है, या मैं कहूँ वेयर द नेशनैलिटी इज स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट, द स्टेट एंड द नेशन डू नॉट कॉन्साइड। वट इज नेशनैलिटी देन? स्टेट हमने समझ लिया, नेशन समझ लिया, देन वट इज दिस नेशनैलिटी? नेशनैलिटी इज कल्चरल एंड एथिकल टर्म। एक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है जो हमें एक साथ जोड़ के रखता है। हम भारत के निवासी हैं और हम भारतीय हैं। जब हम कहते हैं ना कि वी आर इंडियंस, दैट इज नेशनैलिटी, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया इज द स्टेट, एंड इंडिया वी बिलोंग टू द इंडिया, दैट इज नेशन। नेशनैलिटी इटसेल्फ इज अ कल्चरल एंड एथिकल टर्म, इट इज अ स्पिरिचुअल सेंटिमेंट और प्रिंसिपल। होता है ना इमोशनल, एक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है नेशनैलिटी। और नेशनैलिटी क्या चीज बनाती है? मैं ये चीज एक्सप्लेन करने के बाद वापस इस फॉर्मूला के ऊपर आऊंगी, एंड देन वी गेट द क्लैरिटी, है ना, देन वी गेट अ बेटर क्लैरिटी। ज्योग्राफिकल यूनिट, कॉमन रेशियल स्टॉक, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, रिलीजन तो चलो कॉमन ना भी हो इट्स ओके, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एसोसिएशन, कॉमन हॉब्स एंड कॉमन एस्पिरेशन एंड द लाइक, दीज थिंग मेक द नेशनैलिटी। बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बींग एन इंडियन पर्सन, यू हैव द ज्योग्राफिकल यूनिटी, वी आर कॉमन रेशियल स्टॉक जनरली, वी शेयर द कॉमन कल्चर, है ना, ऑल द लैंग्वेज में भी डिफरेंट बट आर हिस्ट्री सेम, वी शेयर द कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वी शेयर द कॉमन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वी शेयर द कॉमन होप्स, वी ऑल वॉन्ट द डेवलपमेंट एंड आर सोसाइटी इज सिमिलर, द मेन फैक्टर, आर सोसाइटी इज सिमिलर, है ना, इससे क्या बनती है? नेशनैलिटी बनती है। नेशनैलिटी अपने आप में एक कल्चरल टर्म है, एक एथिकल टर्म है, इट इज इन द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, हाउ पीपल फील अबाउट दिस थिंग, हाउ पीपल फील अबाउट द नेशन, द स्टेट, द
दैट इज नेशनलिटी ना. देन कम बैक टू दिस फॉर्मूला, व्हाट इज नेशन? नेशन इज स्टेट प्लस नेशनलिटी. ओके, सो यू हैव द नेशन, यू हैव द स्टेट, एंड देन अलोंग विद द स्टेट इफ यू हैव कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, यू शेयर द कॉमन हिस्ट्री, यू हैव द कॉमन सोसाइटी, है ना, यू शेयर द सेम सोसाइटी, देन ऑल दीज थिंग, इफ यू हैव ऑल दीज थिंग, देन यू बिकम अ नेशन, नेशन स्टेट. अगर समझ में नहीं आया, जस्ट लेट मी नो. इफ यू डू नॉट गेट द आइडिया व्हाट दिस इज सेइंग, जस्ट लेट मी नो. ओके, हम इसको और भी बेटर वे में क्लियर करने की कोशिश करेंगे. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को. देखो, ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फैक्टर, जरूरी नहीं कि नेशनैलिटी के लिए सारे फैक्टर का होना जरूरी है, लेकिन अगर इनमें से हम कुछ को हटा दें तो फिर नेशनैलिटी का होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी वन ऑफ दीज फैक्टर शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डर दैट अ पीपल मे बिकम ए नेशनैलिटी. स्टिल विदाउट एटलीस्ट सम ऑफ दीज फैक्टर्स, नेशनैलिटी इज अनइमेजिनेबल. तो अगर मैं पॉलिटिकल साइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, व्हाट इज नेशनैलिटी? नेशनैलिटी मे बी डिफाइंड एज द डिस्पोजिशन टू एक्ट टुगेदर पॉलिटिकली. ओके, सो गेट अ बेटर आइडिया व्हाट इज नेशनैलिटी एंड व्हाट इज द नेशन. सिंस द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देर हैज बीन ग्रोइंग फीलिंग दैट एवरी ग्रुप ऑफ पीपल हु क्लेम टू बी अ नेशनैलिटी शुड बी अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. 19वीं सदी के बाद से, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, सिटीजन ज्यादा अवेयर हो रहे थे, वो अपने राइट्स को लेकर के ज्यादा अवेयर थे, एजुकेशन उन तक पहुंच रही थी, है ना, पर एक रेनेसांस, है ना, पुनर्जागरण तो यूरोप में तो हो ही चुका था. धीरे धीरे वो आइडियाज जब यूरोपियन अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं तो वो अपने आइडियाज भी साथ लेकर के जाते हैं. 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये कंफर्म हो चुका था दैट कि जो लोग नेशनैलिटी की डिमांड करते हैं ना, उनके लिए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. अगर हम भारतीय हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए, हम भारतीय हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द इंडियंस, देन हमारे लिए हमारा ही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रिटेन का नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, फिर हम काहे की नेशनल, फिर तो नेशनलिटी है ही नहीं, फिर तो नेशन भी नहीं है. नेशन तभी होगा ना जब आप इंडिपेंडेंट हो, आपका अपना खुद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो नेशनलिटी आती है. और इस मूवमेंट को और बढ़ोतरी मिलती है, इंपीटस मिलता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो इस दौरान इसको थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलती है, एंड इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन सच पोटेंट आइडियाज जैसे सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ नेशन, वन नेशन वन स्टेट. ये चीज तो आपने सुनी भी होगी आई थिंक. वन नेशन वन स्टेट तो नहीं, बल्कि आपने वन नेशन वन स्कीम, ठीक है, वन पेंशन, ऐसा कुछ सुना होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. बट इट सेज कि अगर कोई नेशन है देन इट शुड हैव द स्टेट, और अगर कोई स्टेट है देन इट शुड बी अ नेशन. सेल्फ डिटरमिनेशन, कहते ना होम रूल मूवमेंट चला था कि हमारे लिए भी तो हमारी मतलब स्वराज की कोशिश हुई थी. स्वराज क्या है? स्वराज एक तरीके से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको. आप इस एरिया के अंदर 100 लोग रह रहे हो, इस टेरिटरी को आपने नाम दिया ए, इसके अंदर आप 100 लोग रह रहे हो, तो लॉजिकली यही होना चाहिए ना कि आप यहां पे रहते हो तो यहां के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का हक भी आप ही का है, आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए. मैं आपको सॉवरेन तभी मानूंगी, मैं आपको तभी इंडिपेंडेंट मानूंगी जब आप अपने लिए खुद डिसीजन ले पाएंगे. अगर आपके लिए बाहर से आकर के कोई बंदा डिसीजन ले रहा है, डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज इंडिपेंडेंट पर्सन और इंडिपेंडेंट सोसाइटी? नो. तो यहां तो फिर नेशन, नेशनैलिटी, गवर्नमेंट सब कॉन्सेप्ट ही खत्म होता है ना. दैट इज द मूवमेंट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ नेशन, वन स्टेट वन नेशन. क्लियर? नहीं भी हुआ तो जर्नी अभी स्टार्ट की है, फर्स्ट डे सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, इवेंचुअली जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी.
डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बिकम एन एक्सपर्ट विद इन अ डे। ओके, तो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, उन टर्म्स के बीच में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उनको डिफरेंस समझा, और अब ज्यादा नहीं तो हल्का सा आपको आइडिया है कि यस दीज थिंग्स आर डिफरेंट एंड इसका कुछ ऐसा मीनिंग होता है। एग्जाम में नहीं लिखना है आपने, बट जो थ्योरीज आएंगी उनको बेटर वे में समझने के लिए आपको इनके बीच में फर्क का पता होना चाहिए। तो जो स्टेट होता है उस स्टेट के लिए असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, चार एलिमेंट आते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन के लिए ये कहा जाता है कि विदाउट द ह्यूमन बींग्स, विदाउट द पॉपुलेशन देर इज नो स्टेट। इट इज ऑब्वियस दैट देर कैन बी नो स्टेट अनलेस पीपल लिव टुगेदर इन एन एसोसिएटेड लाइफ। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलू तो पॉपुलेशन इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, और इसमें दोनों चीजें आती हैं, जो रूल करते हैं वो भी और जिनके ऊपर रूल किया जाता है वो भी। तो जो लोग हैं स्टेट के, दो उसका ड्यूल कैरेक्टर हुआ, कैसे? क्योंकि वो खुद भी रूल कर रही है और जो रूल कर रहे हैं, जिनके ऊपर रूल हो रहा है वो भी पॉपुलेशन का ही पार्ट है। तो देखो, इन द कैपेसिटी ऑफ दोज हु हैव अ शेयर इन फ्रेमिंग द विल ऑफ द स्टेट दे आर सिटीजन। भारत अगर एक स्टेट है, एक राज्य है, गणतंत्र राज्य है, एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो उसकी जो भी विल है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनको हम फ्रेम कर रहे हैं, हम पॉलिसीज बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए वो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, देन वी आर सिटीजन। और जो हमारी कमांड मानते हैं, ठीक है, दे आर सब्जेक्ट। डिफरेंस कभी, मतलब इसको अभी समझिए, अगर हम पॉलिसी बनाने में वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिसी मेकिंग देन वी आर द सिटीजन। यस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाई? बिकॉज वी गिव वोट, वी वी पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग प्रोसेस। और अगर मान लीजिए सिचुएशन बदलती है, भारत के ऊपर जब अंग्रेजों का राज था तो हमें, हमारे लिए ब्रिटिश एम्पायर जो है वो पॉलिसी बनाता था, हमें बस फॉलो करना पड़ता था। एट दैट टाइम वी वर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, पॉपुलेशन। सेकेंड एलिमेंट आता है टेरिटरी। विदाउट फिक्स्ड टेरिटरी देर कैन बी नो स्टेट। फॉर द स्टेट देर नीड टू बी अ फिक्स्ड टेरिटरी। लेकिन इस बात के ऊपर सारे पॉलिटिकल थिंकर एग्री नहीं करते। हो सकता है कि मॉडर्न स्टेट के अंदर, जैसे यूएसए में है, ये यूएसए है, ये कनाडा आता है, कनाडा के यहाँ पे अलास्का है विच इज द पार्ट ऑफ यूएसए, यहाँ पे हवाई आइलैंड है विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूएसए। तो एक कॉन्टिन्यूस टेरिटरी तो नहीं है ना, बट यस देयर इज अ फिक्स्ड टेरिटरी। फिक्स्ड टेरिटरी इज सो मच एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ द मॉडर्न स्टेट दैट द नो टू सेपरेट और अनरिलेटेड स्टेट कैन क्लेम द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सेम एरिया। एक्सेप्शन है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, उसी एरिया के ऊपर दो सरकारों का रूल होता है, एक फेडरल रूल का, फेडरल गवर्नमेंट का, और उसकी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट होती है उसका। देन थर्ड एलिमेंट इज द सॉवरेनिटी। बाय सॉवरेनिटी वी मीन द अल्टीमेट अथॉरिटी। इफ वी हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिफाइन दैट मीन्स वी आर सॉवेरियन। एंड अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, यू कैन नॉट अपील एनीवेयर। दैट मीन्स द अथॉरिटी इज सोवेरियन, द एन अथॉरिटी फ्रॉम विच देयर कैन बी नो अपील। एंड द फोर्थ असेंशियल एलिमेंट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड इट इज द इंस्ट्रूमेंटेलिटी थ्रू विच द सोवेरियन विल ऑफ स्टेट फाइंड कंक्रीट एक्सप्रेशन। वैसे हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, गवर्नमेंट के बारे में। देखो, हमारे यहाँ ये माना गया है, भारत के संविधान को अगर आप पढ़ो, देन इट इज बिलीव्ड दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। दैट मीन्स पीपल हैव द सोवेरियन अथॉरिटी, अल्टीमेट सोवेरियन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज द पीपल। तो गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी होती है,
अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया तो आप अपील नहीं कर सकते। दूसरे अब अमेरिका में जाकर के ये नहीं कह सकते कि भारत की सरकार ने ये कर दिया, वो तो फिर बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट हैज द सोवेरियन अथॉरिटी। अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज इनकंसीवेबल। यू कैन नॉट थिंक अबाउट द स्टेट विदाउट हैविंग द गवर्नमेंट। और जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होना चाहिए, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म हो, ऑटोक्रेटिक ना हो, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलता। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज असेंशियल। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करती है स्टेट के नेचर पे, और स्टेट का नेचर डिपेंड करता है पॉलिटिकल थॉट और लोगों के कैरेक्टर पे, अल्टीमेटली समाज पे। जैसा समाज होगा, जैसे विचार सामने आएंगे, वैसा ही स्टेट बनेगा, और जैसा स्टेट बनेगा वैसा ही आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप आज आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इनके बारे में पहले से जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी हो जाता है कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊं, है ना, कि कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द थिंग्स। एंड फॉर मी, इफ यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, यू कैन नॉट रिटेन दिस दैट इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहले यहाँ पर हमने कोशिश की है एक उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ लर्निंग। ओके जी, तो आज का ये टॉपिक डिस्कशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।